एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 दिनों से शाम की साधना के दौरान में मेरे आंसू निकल आते हैं, यह किसी भूतकाल की घटना से या भविष्य की चिंता से नहीं है, बल्कि जीवन की अनित्यता का एहसास होता है। यह पल, यह आज का दिन, यह समय फिर नहीं आएगा। यह मेरे अपने, मेरे मित्र, मेरे लोग एक दिन बिछुड़ कर चले जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर, जीवन की अनित्यता को लेकर आंसू निकल आते हैं। क्या इसमें साक्षी भाव बना के रखना चाहिए या फिर इसको रोकना चाहिए? ध्यान साधना के दौरान में एक स्थिति ऐसी आती है जब जीवन की अनित्यता का आभास गहरे में होता है। कभी कभी यह बहुत जल्दी ही पता लगने लगता है और कभी लंबे समय के बाद। यह मनुष्य की आंतरिक दशा पर निर्भर करता है, उसकी माइंड की कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि मन जब पिघलता है तभी आंसू आते हैं। आंसू एक निशानी है कि अब पत्थर पिघल रहा है, अब वह कठोर हृदय पिघल रहा है, अब वह कर्मों का बोझ जिससे मन बहुत कठोर हो गया था, अब वह पिघल रहा है। तभी एहसास होता है, तभी अनित्यता का एहसास होता है, तभी जीवन की मूल्यता का पता चलता है, तभी यह पता चलता है कि यह समय, यह पल, यह आज का दिन फिर नहीं आएगा। और इस सीमित सांसों की पूंजी किस तरह से पल पल रेत की मुट्ठी की तरह फिसलती जाती है, इसका भी गहरा आभास होता है। इस अनित्य जगत में, इस अनित्य जीवन में क्या सार है, क्या करने जैसा है, इसका भी पता चलता है। शिविर के दौरान में बहुत लोगों के आंसू निकलते हुए देखे होंगे। यह आंसू इसी बात की निशानी है। अक्सर होता तो यही है कि आंसू तभी निकलते हैं जब दिल में दर्द होता है और वो दर्द बाहर निकल कर आता है तो आंसू निकलते हैं। लेकिन जब अनायास ही निकल पड़े, कोई आमने सामने न हो, कोई ऐसी घटना घटी न हो, तो आंसू निकलते हैं। कभी पश्चाताप के आंसू, कभी जीवन की अनित्यता के का पता लगने के आंसू, कभी व्यर्थ कितना बर्बाद हो गया इसका आंसू, इन सब के आंसू निकलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सार का पता चला, नहीं तो जन्मों जन्मों तक मनुष्य को जीवन के सार का पता ही नहीं चलता, जीवन की मूल्यता, जीवन का मकसद क्या है इसका पता ही नहीं चलता। इसी को तो बुद्ध कहते हैं, मैं कई जन्मों से इस घर बनाने वाले की खोज करता रहा
और आज मुझे इसका पता चल गया। अब हिग्रह कारक, अब तुम घर नहीं बना पाओगे। यह बुद्ध के वचन है। कई जन्मों से मैं इस ग्रह कारक की खोज में था और जब यह पता चलता है फिर घर नहीं बनता का अर्थ यह है कि अब जीवन की अनित्यता का भी पता चला और जीवन की मूल्यता का भी पता चला। अब यह भी पता चला कि सार क्या है, करना क्या है, अमृत की खोज कैसे करनी है, उस अमृत तत्व को अपने अंदर किस तरह से खोजना है, इसके लिए हम ध्यान साधना करते हैं। पिछले 3 दिनों से आंखों से आंसू निकल रहे हैं ध्यान साधना के दौरान में, इस बात से कि अनित्यता है, इस बात से कि कल यह भी चला जाएगा, कल वह अपना भी चला जाएगा, यह समय दोबारा आने वाला नहीं है, कहीं कोई चिंता भी है कि यह भी चला जाएगा जो अपना है, यह गुरु भी चला जाएगा शरीर से, शरीर में फिर दिखाई देगा। आनंद को ऐसा ही आभास हुआ था जब बुद्ध ने कहा कि समस्त वैशाली वालों को आमंत्रित करो दर्शन के लिए। आनंद को लगा कि अब बुद्ध शरीर छोड़ रहे, आनंद रोने लगे। तब बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम मेरे से अब क्या उम्मीद करते हो। तथागत की मुट्ठी ऐसी नहीं है कि आचार्य की तरह जो कुछ देता है और कुछ छिपा कर रखता है। मैंने वह सब कुछ दिया है, अब तुम्हें उस अमृत तत्व की खोज स्वयं करनी होगी। अब मेरे रहने का कोई सार नहीं, क्योंकि जीवन, क्योंकि इस शरीर की एक हद है, इसकी एक लिमिट है और ये इतना जर्जर हो गया है कि अब इसको आगे चलाया नहीं जा सकता। और जिसने जन्म लिया उसको शरीर छोड़ना भी होगा, ये बुद्ध के वचन है। और बुद्ध ने शरीर छोड़ा, इसी तरह सभी ने, सभी को यह छोड़ना होगा एक न एक दिन। लेकिन आनंद अभी शरीर से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन शरीर का लगाव भी दुखदायी होता है, क्योंकि बुद्ध का जो बुद्धत्व रूप है वो शरीर के अलावा भी है। बुद्ध ने त्रिकाई की बात कही, त्रिकाई के बारे में समझाया और बुद्ध की इस नश्वर शरीर के अलावा जो दो शरीर और हैं उनको कभी भी देखा जा सकता है, उसमें कभी भी लवलीन होया जा सकता है, उसमें कभी भी समाया जा सकता है, उसको कभी भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो नश्वर है उसको छोड़ना ही होगा, उसकी एक हद है, वो उस हद से ज़्यादा इस मृत्यु लोक में रह नहीं सकता। तो अगर इस अनित्यता के बाद इस बात से आंसू निकल रहे हैं कि कल सब छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चिंता है। लेकिन फिर जो इन्होंने आगे पूछा कि क्या इसको साक्षी भाव से देखें या इसे रोकें, इसको साक्षी भाव से देखना चाहिए, रोकने की आवश्यकता नहीं। रोकने से तो और भी ज़्यादा बंधन पड़ जाएगा, रोकने से तो और भी ज़्यादा अंदर
दबाव बढ़ जाएगा। बेहतर यह है कि इसको साक्षी भाव से देखते रहे। इस अनित्यता का एहसास हृदय में इतना गहरा हो जाना चाहिए कि उसके बाद फिर सपनों में भी कभी ऐसा ना हो कि हम इसको बिसर जाएं, इस एहसास को बिसर जाएं। सपनों में भी यह याद बनी रहनी चाहिए कि अनित्यता है, और इस अनित्यता से भरे हुए जगत में हमारी सांसों की पूंजी सीमित है, और एक दिन हमें इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, इस जगत को छोड़कर जाना होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए कि आंसू आना कोई गलत है। आंसू आना एक अच्छी खबर है कि एहसास हुआ है, कि अंदर से दर्शन हुआ है। दर्शन अति आवश्यक है। दर्शन के बिना, अनुभव के बिना आध्यात्म की यात्रा नहीं होती। आध्यात्म एक अनुभव है। आध्यात्म कोई सपने लेने जैसे वाली बात नहीं। आध्यात्म कोई पढ़कर रट लेने वाली बात नहीं। दर्शन करना होगा, अनुभव में उतारना होगा, और अनुभव के लिए गहरी साधना करनी होगी, अपने अंदर डुबकी लगानी होगी। अमृत तत्व अंदर है। बुद्ध ने कहा एक और खिड़की है जिसका अब तक किसी को पता नहीं चला। इन छह आयतनों में, इन षडायतनों के अलावा एक और खिड़की है अमृत तत्व की। उस तक पहुंचना है, उसको खोलना है। इसलिए यात्रा लंबी है, और जैसे जैसे नींव मजबूत होती चली जाएगी, जैसे जैसे एहसास गहरा होता चला जाएगा, जैसे जैसे साधना के अनुभव होते चले जाएंगे, वैसे वैसे गहराई आने लगेगी, वैसे वैसे स्थिरता आने लगेगी, वैसे वैसे मन की शांति आने लगेगी, और वैसे ही शाश्वत सत्य का दर्शन होगा। शाश्वत सत्य इस अनित्यता के अंदर ही है। यह अनित्यता जो दिखाई दे रही है, यह अनित्यता भी शाश्वत सत्य से ही ऊर्जा ले रही है। ऊर्जा तो एक ही है, वही ऊर्जा रूप बदलती है अनित्य जगत में भी। एक तरफ से जीवन उजड़ता है, दूसरी तरफ से जीवन पनपता है, और जब जीवन उजड़ता है तो पनपते हुए जीवन की खुराक बन जाता है। बड़ा विरोधाभास है, लेकिन हकीकत भी यही है कि जमीन पर एक चीज मरती है, दूसरे का आश्रय बनती है, सहारा बनती है, दूसरे के लिए जीवन का काम करती है, जीवन देने का काम करती है। यह बहुत बड़ा रहस्य है इस जगत का। तो यह अच्छी बात है कि आपके आंसू निकल रहे हैं, यह अच्छी बात है कि आपके अंदर आपका हृदय पिघल रहा है, उसमें से मैल झड़ रही है, उसमें से अब वो कठोरता
धीरे धीरे नमी ले रही है, वो पिघल जाएगी और जिस हृदय में तृष्णा, द्वेष, मिथ्या चरण, ईर्ष्या, मोह, लोभ जैसी वस्तुएं, जैसे विकार घर किए हुए थे, वहां अब प्रेम, करुणा, दया, नम्रता, के गहने उतरने लगेंगे, ये गहने सुसज्जित होने लगेंगे और इन्हीं से आध्यात्म की यात्रा की जा सकती है। आध्यात्म कठोरता को पसंद नहीं करता, आध्यात्म को जो ऊर्जा मिलती है वो कठोरता से नहीं मिलती, वह नम्रता से मिलती है, वह करुणा और दया से मिलती है। करुणा, दया, प्रेम, मित्रता, नम्रता, यही भोजन है आध्यात्म की राही का, आध्यात्म का, और इसी से वह निर्वाण तक पहुंचता है। तो इस जो भी घटना घट रही है, इस घटना से फायदा उठाना चाहिए, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, इसमें से सब कुछ बह जाने दो, इसको रोकना नहीं है, इसको साक्षी भाव से देखते रहना है। और एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा जब कोमल, नूतन और प्रमोद से भरा हुआ, आमोद से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ चित्त का जन्म होगा, जो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेगा, जो उस मंजिल की तरफ बढ़ेगा जहां रोशनी ही रोशनी है। इसका फायदा उठाओ। नमो बुद्धाय।